इस गीली हो चुकी है, ये दोस्तों ने ये चटाई बिछाई हुई है और इन साहब को देखिए, ये पैनाफ्लेक्स, उसी पैनाफ्लेक्स को एज अ जाए नमाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उधर पार्क में वहाँ सारा पानी मैं देख रहा हूँ, हमारे हर चीज बह गई है। अब आप लोग रात सोएंगे कहाँ? हम नहीं, रात को भी नहीं सोए, आज भी नहीं सोएंगे, ऐसे घूम फिर के हम टाइम पास करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान समोर, इस वक्त मैं जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। ये जो दीवार है ये इमरान खान साहब के घर की है, इस साइड खान साहब के घर का गेट है और आज बारिश हुई है, शदीद बारिश, जिसके बाद यहाँ पर सारा जितना सिस्टम था वो दरहम बरहम हो गया है और लोगों ने जो रहाइश का इंतजाम किया था, नमाज का इंतजाम किया था, हर जगह पानी। खान साहब के घर के बिल्कुल सामने यहाँ पर अभी तारीखी है, अंदरूनी पार्क का मंजर है, यहाँ लोग यहीं पर मौजूद है, अपनी मजहबी इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। आज रोजा था और माशाल्लाह से रोजा बहुत ही ठंडा और अच्छा गुजरा और फिर इफ्तारी हुई। इफ्तारी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इफ्तारी के वक्त भी बारिश हो रही थी, सारा दिन बारिश होती रही, तो पहला तो जो सारे अरेंजमेंट्स थे वो तो सारे ख़राब हो गए, लेकिन आर्जी तौर पर टेम्परेरली कहीं ना कहीं लोगों ने इंतज़ाम किया इफ्तारी का। रोड के ऊपर कैंप्स लगा के कुछ वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगाई, वहाँ पर इफ्तारी लोगों को करवाई और ये खान साहब के घर का जो ये स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट में वहाँ पर भी इफ्तारी करवाई और अब ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखिए सारी हर जगह गीला है, बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, तरपाल, चटाइयाँ, हर चीज़ गीली हो चुकी है। ये दोस्तों ने ये चटाई बिछाई हुई है और इन साहब को देखिए, ये पैनाफ्लेक्स, उसी पैनाफ्लेक्स को एज अ जाए नमाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सर दो मिनट हमें टाइम दीजिएगा, इनसे बात भी कर लेते हैं, ये साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, खैरियत है? माशाल्लाह आप अपने फर्ज की अदायगी में लगे हुए हैं, आपको ये जगह नहीं मिली चकाई वगैरह, आप इसी फ्लैक्स पे आपने नमाज पढ़ ली? क्योंकि शाम की नमाज थी, टाइम बहुत कम था, तो नजदीक में ये पहले फ्लैक्स पे मैंने ये उठा लिया और अटैगी की, वरना हर चीज काम से अच्छी जा रही है। आज माशाल्लाह से बारिश हुई, बहुत अच्छा हो गया, रोजा ठंडा हो गया, रोजे का पता भी नहीं चला, ऐसा बेहतरीन गुजरा ना, लेकिन शाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बारिश की वजह से। हाँ तो घबरा तो नहीं गए? नहीं जी नहीं, ये तो हमारा अल्लाह पाक का शुक्र है, ये महीना अदा किया है, हर दुआएं पूरी होती है, अल्लाह पाक इमरान खान को मकसद में कामयाब करे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक उसको अपने मिशन में कामयाब। कहाँ से आए हैं? हम मियांवाली से हैं। मियांवाली से जी। तो घर वालों को पता चला होगा लाहौर में बारिश हो रही है, परेशान हो गए? परेशान नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, उनको पता है ना हम लोग आए भी इसीलिए, परेशानी उठाने के लिए आए हम लोग। अच्छा, ताकि अल्लाह करे ये परेशानी हमसे दूर हो जाए, अल्लाह पाक इमरान खान को अपने मिशन में कामयाब करे, अगर हमारी जान की, तन की, मन की, धन की, जिस चीज की भी जरूरत पड़े हम खान पे कुर्बान करने को तैयार है। अच्छा, मैं इमरान खान घर का हूँ और MP साहब अब्दुल्ला खान ने हमें इधर भेजा है, हम 35 आदमी आए हुए हैं, हम रात दिन एक ही हुए। आपके कैंप तो बाहर लगे हुए थे उधर पार्क में, वहाँ सारा पानी मैं देख रहा हूँ, हमारे हर चीज बह गई है। अब आप लोग रात सोएंगे कहाँ? हम नहीं, रात को भी नहीं सोए, आज भी नहीं सोएंगे, ऐसे घूम फिर के हम टाइम पास करेंगे, रात भी नहीं सोएंगे? नहीं सोएंगे। कब तक जागते रहेंगे? कल सुन रहे हैं, कल फिर सारा दिन ऐसे ही नहीं, फिर हमारी टीम कल और आ जाएगी, 35-35 आदमी का ग्रुप बनाए हुए हैं। अच्छा, आज हमारा कल हमारा डेट आखिरी डेट है, कल सत्यान खान के आदमी आ रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, थैंक्स। इस साइड आप दिखाएं तो ये दोस्त ये इफ्तारी लेकर हाथों में भी जा रहे हैं। सर दो मिनट, माशाल्लाह से आज आप लोगों का रोजा था और बड़ा ठंडा रोजा हो गया। तो सर एक बात है, मुझे बेच रहे हैं आप लोग, अगर ना बेचें वादा करें, रमजान का महीना है तो मैं आपको जी कहिए, वादा है? जी जी वादा है, चढ़ाएंगे? जी जी चढ़ाएंगे, आपसे वादा किया तो आप चढ़ाएंगे। सवाल करें मुझे, मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह से आपका रोजा आज बड़ा ठंडा हो गया। मेरे मालिक का बहुत बड़ा करम है, हर छह ठंडी हो जाए, हाँ हुकूमत भी ठंडी हो गई, बर्फ हो गई, हम पिजाल के इनको कहाँ से आए? कहाँ से आए? डेरा गाजी खान से जी। ठीक है, तो दिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बारिश होती रही, शाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिहाद में क्या प्रॉब्लम? अच्छा, जीने में तो प्रॉब्लम है, मरने में बात क्या? अच्छा,
सर ये क्या हालात बन गए हैं? देखिए आप एक शख्स के घर के बाहर बैठे हैं, वो अंदर सुकून से बैठा है, आप बारिश में भीग रहे हैं। अल्लाह उसको इससे भी ज्यादा सुकून होता इस जहान भी और उस जहान उसके खानदान को भी जो मरने वाले हैं उनको भी। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आप लोग बारिश में भीग रहे हैं, अब रात पता नहीं कहां से आएंगे। ये बतला दें एक ही बात बतला दें, सिलमान को और उसको कासिम को देखा था जी, देखा है ना, हां कैसे लाल है, कैसे बर्तानिया के सब तो बड़े अमीर हैं या नहीं है? अच्छा ठीक है, हां वो उनका बाप है या नहीं है? ठीक है, हां जी। वहाँ जिना शराब कोई मना नहीं है ना? नहीं है, हाँ, बिल्कुल। पैसे की बेअमी की है उनके पास, हाँ जी। उसको क्या जरूरत थी गोलियां ढलने की, मुझे ये बतलाया जाए। ठीक है, सवाल ये वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सवाल है, क्या जरूरत थी? एंजे लाल बच्चे, हाँ जी, वो उनको छोड़ के हमारे बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाया हुआ है, इसके साथ का लीडर भी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, इसीलिए डटे हुए हैं, इसीलिए डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। अच्छा, और मैं ये नासुल्ला को पैगाम देता हूँ कि मार्टल टाउन वाले कत्ल जो हैं, जड़ा शहीद होता है, शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। बिल्कुल, इस वेले मैं तमाम उन लोगों को जो नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं अदने तो रख के आले को आख रहा कि मॉडल टाउन दे कातले दी सपोर्ट छोड़ो नहीं थे, अल्लाह ताला तुझे भी उसी में शामिल करेगा। नाज़रीन ये देखिए, इस वक्त भी लोगों का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ, अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, दोस्त हलवा खा रहे हैं और साथ साथ अपने खान के दरवाजे के आगे मौजूद है। अभी ऐसी सूरत में भी भीगते हुए बारिश में लेकिन यहाँ पर मौजूद है। वो कहते हैं वो अंदर चैन से बैठे हैं, तो ये हमें खुशी है कि वो हमारी वजह से बड़े पुरसकून हैं, हम यहाँ पर डटे हुए हैं, छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो आपने बोला ना कि वो चैन से बैठे हुए हैं, सुकून के अंदर है, तो आप लोग रिलैक्स बैठे हैं, आप रिलैक्स बैठे हैं, तो आपने भी वो जो बुजुर्ग है आपसे डिस्कस कर रहे थे, आप उनसे सवाल कर रहे थे, वो आपको आंसर दे रहे थे, आपने कहा कि वो अंदर सुकून से बैठे हैं और आप तकलीफ में बाहर ऐसे ऐसे वक्त गुजार रहे हैं, हैं? तो कहने का मकसद ये है कि आपका ये सवाल जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सवाल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने ये क्यों बोला वो सुकून से बैठे हैं, वो कैसे सुकून से बैठे हैं? अच्छा, उनको फिक्र हमारी। अच्छा, बात ये है कि जो आपके मतलब का सवाल हो ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब का ना हो ना, हमारा मकसद है सवाल पूछना। मैं बता तो एक मिनट, अब इमरान खान इस वक्त कहां, एक मिनट एक मिनट इसी का जवाब देखिए, एक एक बात कहां, एक एक सवाल का जवाब सुन लिया। हाँ जी, असली तो मैंने जवाब दे दिया था इस बच्चे ने, भाई को बोल दे, सवाल को पूरा तो होना जी। असली तो मैंने जवाब दे दिया था, सुकून तो उसको वो था जो अपने बच्चे में रहता और लंदन में याशी भी करता, शराब भी हमें देना या हमें कोई है क्या, वो तो बगैर बेसकून होकर खाने नाल बच्चे मरवा देते हैं इक्तदार की खातिर, कौन ये तो कोई मसला ही नहीं है। हां किससे मरवा रहा है, कई बादशाहों ने मराए, तारीख बड़ी बड़ी है, अपना खून, अपना खून, अपना खून दे रहा है साडे वास्ते, साडी औलाद वास्ते। चलें ठीक है सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भाई है हमारे, आप भी जो हमारे हम क्वेश्चन करते हैं तो कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरीके से करें कि जो हम लोग बुजुर्ग उनको कुछ मालूम नहीं, आप मैंने जो है पकड़ लिया।